दोस्तों कल खेला गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला। इस पहले ओडीआई मुकाबले में श्रीलंकन टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 230 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। 230 रन बनाने में भी हालत खराब हो गई श्रीलंकन टीम की। अगर दुमित वलालागे ने अच्छी बल्लेबाजी न की होती तो फिर ये 195-96 पे भी पारी सिमट सकती थी। वहीं जवाब में भारतीय टीम ने काफी ठोस शुरुआत दी। ऐसा लग रहा था कि 30-35 ओवर तक पूरा का पूरा मैच खत्म हो जाएगा। रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन पारी खेली, 47 बॉल पे 58 रन। वहीं अगर नीचे देखा जाए तो केएल राहुल, अच्छा पटेल और शिवम दुबे ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम 231 रन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है और 47.5 ओवर में 230 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है। यानी कि श्रीलंकन टीम ने भी 230 रन बनाया और इंडियन टीम ने भी 230 रन ही बनाया। तो मैच टाइम होने के बाद सभी को ये लग रहा था कि सुपर ओवर अब होगा, क्योंकि पिछले T20 मुकाबले में भारतीय टीम और श्रीलंकन टीम के बीच में टाई मुकाबला हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने सुपर ओवर में मैच जीता था। तो ये ओडीआई मुकाबले भी टाई होने के बाद सभी को ये लग रहा था कि अब सुपर ओवर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में ये जानकारी मिलती है कि ये मैच टाई के ही रिकॉर्ड में डाला जाएगा, इसमें कोई सुपर ओवर नहीं होगा। तो फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये मैच टाई में क्यों डाला गया, क्यों सुपर ओवर नहीं हुआ। तो इसमें सुपर ओवर न होने का कारण आईसीसी का ही एक नियम है। आईसीसी के नियम के अनुसार वनडे क्रिकेट में सुपर ओवर या तो नॉकआउट मैच में खेला जाता है या फिर मल्टीनेशन इवेंट में, यानी कि जब दो से ज्यादा टीमें रहेंगे तब खेला जाता है, या फिर कोई डिसाइसिव मुकाबला हो, मान लीजिए फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, या कोई ऐसा मुकाबला जिससे कि आगे कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम हार सकती है सीरीज, तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा। अब चूंकि ये पहला मुकाबला था, पहले मुकाबले में अगर कोई भी टीम जीत जाती तो जरूरी नहीं था कि वो सीरीज जीत जाती। जैसा कि हमें पता है कि 3 ओडीआई मैचों की ये सीरीज है, तो मान लीजिए इसमें 2 मैच खेले जा चुके होते जिसमें कि एक में इंडियन टीम और एक में श्रीलंकन टीम जीत गई होती और तीसरा मैच टाई होता तो तीसरे मैच में सुपर ओवर होता, क्योंकि ये सीरीज को डिसाइड करता कि किसके हाथ में जाएगी ये सीरीज, इसलिए सुपर ओवर होता। अब चूंकि ये पहला ही मैच था इसलिए इस मैच के रिजल्ट पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, चाहे उसमें सुपर ओवर कराया जाए चाहे ना कराया जाए, चाहे मैच हो चाहे ना हो। तो इस वजह से इस मैच में सुपर ओवर हमें देखने को नहीं मिला। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि सुपर ओवर तभी होता है जब कई ढेर सारी टीमें हो या फिर वो मुकाबला नॉकआउट मुकाबला हो, तभी सुपर ओवर के चांसेस बनते हैं।